हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हरकृष्ण फ्रॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज मींस ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, कौन से एनर्जी रिसोर्सेज बेटर हैं, कौन से बेटर नहीं हैं, किनका यूज़ करना हमारे लिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, और कौन से ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी या ऊर्जा है क्या। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, मींस कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा का नाम देते हैं। हमने छोटी क्लासेज में भी ये स्टडी किया था दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मींस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बात आती है एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ऐसे जो भी संसाधन जो भी रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एनर्जी रिसोर्सेज या ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। फिर एक वर्ड आता है दैट इज़ फ्यूल, तो हम क्या बोलेंगे, द मैटर दैट स्टोर एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। वो पदार्थ वो मैटर जिसके अंदर एनर्जी स्टोर की होती है, उस पदार्थ उस मैटर को हम फ्यूल का नाम देते हैं। क्या क्या यूजेज हैं एनर्जी के हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ काम आती है एनर्जी, तो हम बोलेंगे इट इज़ रिक्वायर्ड टू रन द मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, मीन्स जितनी भी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो किसी मशीन को रन करना है, चाहे वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कोई कम्युनिकेशन, कोई संचार की जो इंस्ट्रूमेंट हैं मशीन्स हैं उनको ऑपरेट करना है, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी करनी है, घर के काम करने हैं या एग्रीकल्चर के काम करने हैं, तो सबके अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास तीन मेन कैटेगरी हैं एनर्जी की, जिनको हम बोलते हैं रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, मीन्स नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दूसरा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मीन्स पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऊर्जा संसाधन, मीन्स वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम बात करते हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जिनको हम हिंदी में नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। पहले बात करते हैं रीन्यूएबल, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको रीजनरेट किया जा सकता है विद इन शॉर्ट टाइम, जिनको बार बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम रीन्यूएबल ऊर्जा संसाधनों का नाम देते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन रीन्यूएबल की, तो ये वो ऊर्जा संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिनको या तो दोबारा उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता या उनको दोबारा रिसाइकिल रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जो रीन्यूएबल हैं उनके एग्जाम्पल देखें तो सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। वहीं अगर हम नॉन रीन्यूएबल के एग्जांपल देखें तो हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है। जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये जनरली हार्मलेस होते हैं, ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करते, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। वहीं हम नॉन रीन्यूएबल की बात करें तो ये जनरली हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता या रिसाइकिल करने में बहुत अधिक टाइम लगता है। वहीं जो दूसरी हमारे पास कैटेगरी थी डेट इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मीन्स पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन,
बात करते हैं पहले कन्वेंशनल या पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की, तो ये वो संसाधन है जो बहुत लंबे टाइम से यूज होते आ रहे हैं, जिनको हमारे पूर्वज काफ़ी पुराने टाइम से उपयोग में करते आ रहे थे। ऐसे संसाधनों को हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं, हाल ही में लेटेस्ट टेक्निक से साइंस की देन है, इनको हम नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। जो पारंपरिक हैं वो जनरली एग्जॉस्टिबल हैं, मीन्स वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रिसाइकलेबल नहीं है, ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, इनको स्टोर करना ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये कॉस्टली भी होते हैं। वहीं हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये पोल्यूशन फ्री हैं, ये इनएग्जॉस्टिबल हैं, कभी ख़त्म होने के चांसेस नहीं हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और ये किसी तरह का इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते। एग्जांपल की बात करें तो इसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। हमेशा याद रखना है जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल या एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल हैं वो बेटर हैं, वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इट मीन्स हमें नॉन कन्वेंशनल की तरफ मूव करना होगा, कन्वेंशनल रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना होगा। थर्ड जो कैटेगरी है हमारे पास वो है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनको हम वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमर्शियल की, ये वो रिसोर्सेज वो संसाधन हैं जिनको ख़रीदा बेचा जाता है, जिनका कॉमर्शियली कोई ना कोई यूज होता है, और नॉन कॉमर्शियल वो संसाधन है जिनकी खरीद फरोख्त नहीं होती, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऐसे संसाधनों को हम नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जो कमर्शियल हैं वो जनरली एग्जॉस्टिबल होते हैं, ख़त्म होने वाले हैं, वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो नॉन कमर्शियल हैं वो जनरली रिसाइकलेबल हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, वो लंबे टाइम तक यूज हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सब नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, मींस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है, ये रीन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसे एनर्जी संसाधनों को, ऊर्जा रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल या नवीकरणीय एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये कॉन्स्टेंट वर्क करते हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होता, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। हमें ऐसे संसाधनों की तरफ मूव करना होगा जो पुराने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, उनके उपयोग को कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा रिसोर्सेज के उपयोग को, यूज़ को बढ़ावा देना होगा। एग्जांपल के तौर पर देखें तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ये सब हमारे लिए नवीकरणीय या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। वन बाय वन इन एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट से, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट में होती है, ये हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा, बहुत बेटर फ्यूचर एनर्जी सोर्स है। जो सन से हमें एनर्जी मिलती है वो जनरली लाइट की फॉर्म में मिलती है, वो लाइट ग्रीन प्लांट्स पर गिरेगी, प्लांट्स उससे अपना भोजन बनाएंगे, अपना फूड बनाते हैं, और हमें पता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सिमिलरली बहुत से हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको फोटो में भी दिख रहा है कि बहुत सारे सोलर पैनल या सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फंक्शन करती हैं,
वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम आगे हाउस होल्ड में, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, स्ट्रीट लाइट में, डिफरेंट एक्टिविटी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें इन सोलर प्लेट्स में ऐसा क्या है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है फोटोवोल्टिक सेल का। ये स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो सोलर एनर्जी को, सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनके अंदर ऐसे ही बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल्स हैं। वो फोटोवोल्टिक सेल्स सीरीज में लगे होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम आगे यूज करते हैं। ये ऐसा एनर्जी रिसोर्स है, ऊर्जा संसाधन है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इजीली अवेलेबल है, आसानी से यूज किया जा सकता है, सब जगह अवेलेबल है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस या फ़ायदे की, तो सबसे पहला, सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरा, इसमें किसी प्रकार के कोई फ्यूल का, कोई डीजल पेट्रोल इनका उपयोग नहीं करना होता। दैट मीन्स ये एनर्जी वेस्ट फ्री है, इसमें कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होता। दूसरी बात, जो कंट्रीज़ वार्म है, जहाँ पर सोलर रेडिएशन्स ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छा मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि उनके पास सनलाइट बहुत है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अपने पर्पज़ में यूज कर सकते हैं। ज़रूरी ही नहीं कि सोलर पैनल या सोलर प्लेट से हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज तैयार की जाए, हम इसको छोटे लेवल पर भी उपयोग में ला सकते हैं। इससे हम लो वोल्टेज, लो पावर जनरेट कर सकते हैं। वो लो वोल्टेज या लो पावर हम घरों में, गार्डन्स के अंदर, स्ट्रीट लाइट की फॉर्म में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सोलर एनर्जी की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, तो वहीं थोड़ी बहुत इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो माइनर हैं। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सोलर एनर्जी एक बेटर रिसोर्स है, हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो सबको पता है ये रात में फंक्शन नहीं कर सकते। दे डज नॉट वर्क एट नाइट, क्योंकि सोलर प्लेट्स सनलाइट की प्रेजेंस में काम करती हैं, सनलाइट की एब्सेंस में काम नहीं कर सकती, तो ये रात को फंक्शन नहीं करते। दूसरे ड्रॉबैक की बात करें तो ये स्टार्टिंग में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सोलर प्लेट, सोलर पैनल महंगे होते हैं। तीसरी बात करें तो कहता है कि खर्चा ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी दे प्रोड्यूस, मींस कॉस्टली हैं थोड़े से। और नेक्स्ट बात करें तो ये सिर्फ सनी क्लाइमेट में फंक्शन करते हैं, जब धूप ज़्यादा होती है तो काम करते हैं, ये रात को काम नहीं करते। ये क्लाउडी सीजन में काम नहीं करते, जब मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, बादल होते हैं, उस सीज़न में भी ये काम नहीं करते। बट ओवरऑल हम देखें तो सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा हमारे पास एनर्जी रिसोर्स है। इससे बहुत सी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो पूरी हो रही है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट सोलर पैनल की हेल्प से ऑपरेट होती हैं, गार्डन्स में, बगीचों में आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जब चाहें उपयोग कर सकते हैं। सेकंड जो रीन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है, एनर्जी रिसोर्स, उसकी बात करें तो वो है हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इसको पन बिजली ऊर्जा का नाम भी देते हैं। पानी की सहायता से बिजली तैयार करना, पन बिजली। क्या किया जाता है इसमें? बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में। इन डैम्स के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है, उस पानी को टनल की सहायता से नीचे गिराया जाता है। नीचे टर्बाइन लगे होते हैं, टर्बाइन जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं। तो जैसे ही पानी की सहायता से टर्बाइन घूमेंगे,
टरबाइन जनरेटर को घुमाएंगे, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को वायर की हेल्प से, तारों की सहायता से घरों में, शहरों में, इंडस्ट्रीज में पहुंचाया जाता है, जिसको हम यूज करते हैं। मींस वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, डेट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पन बिजली ऊर्जा, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा संसाधन है, रीन्यूएबल है, बार बार उपयोग कर सकते हैं, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता, तो इको फ्रेंडली भी है। ये आपने फोटोग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़े स्केल पर वाटर स्टोर किया जाता है, उसको चैनल की हेल्प से टरबाइन के पास भेजा जाता है, टरबाइन रोटेट करते हैं, जनरेटर को रोटेट करेंगे और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब इसकी भी बात करते हैं एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस की, तो हम देखेंगे सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वाटर हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, रेनफॉल होगा, बारिश होगी, पानी को इकट्ठा कर लिया जाएगा। दूसरा, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। तीसरा, ये रिलायबल है, ये हम मींस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन अगर हम देखें तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती ही है, इसके साथ साथ इससे वाटर की जो डिमांड है वो भी पूरी होती है, चाहे वो वाटर एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट के लिए हो, चाहे वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हो, वो नहरों से, रिवर से आगे पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे वाटर की डिमांड भी पूरी होती है। देन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्विकली ऑपरेट करते हैं, वो एक टाइप से टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं, लोगों वहाँ पे घूमने जाते हैं और एक एडिशनल इनकम का सोर्स भी गवर्नमेंट के लिए हो जाता है। और एक जो और सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, इसको कभी भी किसी भी मौसम में, दिन में, रात में, सुबह शाम ऑपरेट किया जा सकता है। याद करो जो हमने सोलर एनर्जी में डिस्कस किया था कि उसको हम नाइट में ऑपरेट नहीं कर सकते, उसको हम ख़राब मौसम में ऑपरेट नहीं कर सकते, बट वो यहाँ पर नहीं है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम रात में भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम दिन में ऑपरेट कर सकते हैं, मौसम साफ है, ख़राब है, इसको हर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो इसके भी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला है कि डैम बिल्ट करना, डैम बनाना, बांध बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत सी जगह यूज होती है, बहुत सा पैसा यूज होता है, गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। एक तो ये इसका सबसे आप कह सकते हो कि नुकसान है या डिसएडवांटेज है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगर डैम टूट जाए तो एक बहुत बड़े एरिया में फ्लड आ जाता है, लोगों को नुकसान होता है, एनिमल को नुकसान होता है। जिस जगह पर डैम बनाया जाता है वहाँ के लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, उनको अपने घर बार, खेती ज़मीन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। और डिसएडवांटेज, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो काटने पड़ते हैं, वहाँ पर रहने वाले बर्ड्स, एनिमल, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट, एनिमल्स, वो सब एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो ये कुछ एक इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब बात करते हैं थर्ड एनर्जी रिसोर्स, जिसका नाम है विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा। ये भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स बहती हुई हवा, जिसको हम पवन का नाम देते हैं। पवन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसी को हम विंड एनर्जी का नाम देते हैं। क्या होता है उसमें, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा, बड़े बड़े पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, जब हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं, तो ये पवन चक्कियाँ घूमती हैं, रोटेट करती हैं। ये पवन चक्कियाँ टरबाइन से जुड़ी होती हैं, टरबाइन जनरेटर से जुड़े होते हैं। जैसे ही पवन चक्कियाँ घूमेंगी, जनरेटर रोटेट करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा एनर्जी रिसोर्स है, ऊर्जा संसाधन है, इको फ्रेंडली है, एग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल है, मीन्स हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों की डिमांड को पूरा करता है, चाहे वो घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए डिमांड हो, या इंडस्ट्रीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो,
तो बहुत सारी जगहों पर ये विंड एनर्जी यूज की जाती है, सप्लाई की जाती है। इसमें भी कुछ एक एडवांटेजेस और कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो कहता है कि ये फ्री एनर्जी है, इसमें कोई फ्यूल यूज नहीं होता, इसमें किसी तरह का वेस्ट जनरेट नहीं होता, मींस ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती। दूसरा, अगर हम इसमें देखें तो ये टूरिस्ट अट्रैक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, लोग यहाँ पर भी घूमने जाते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट को एडिशनल इनकम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि इट इज़ अ गुड मेथड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू रिमोट एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पर पहुँचना जाना जनरली मुश्किल होता है, उन एरिया को नाम दिया जाता है रिमोट एरिया। तो उन एरिया में भी हम विंड पावर की हेल्प से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन एरिया में सप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसके सिग्निफिकेंस थे, फ़ायदे थे। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला तो ये है कि जो विंड है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी हवाएं चलती हैं कभी हवाएं नहीं चलती। ये पवन चक्कियाँ सिर्फ तभी काम करती हैं जब तेज़ हवा चलेगी, तभी इनके ब्लेड्स रोटेट करेंगे, ये चक्कियाँ घूमेंगी और एनर्जी जनरेट करेंगी। अगर हवाएं नहीं हैं तो ये पवन चक्कियाँ ऑपरेट नहीं करती, जो सबसे बड़ी इनकी डिसएडवांटेजेज है। दूसरा, ये पवन चक्कियाँ ज़्यादातर कोस्टली एरिया में फंक्शनल है, जहाँ पर समुद्री किनारे हैं, तटीय एरिया हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर लगाई जाती हैं, और ऐसे एरिया जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, वहाँ पर ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़मीन परचेज करनी ख़रीदनी महंगी होती है, डेट्स वाई वहाँ पर पवन चक्कियों को लगाना भी एक तरह से प्रॉब्लम का काम होता है। नेक्स्ट जो इनका डिसएडवांटेज है वो ये है कि बहुत से बर्ड इनकी चपेट में आ जाते हैं, बहुत सारे पक्षी इनकी चपेट में आ जाते हैं जो मारे जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, जो नेचुरल हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान होता है। देन पवन चक्कियाँ जनरली टेलीविज़न सिग्नल को डिसरप्ट करती हैं, जिससे अगर आपका घर इन एरिया में या पवन चक्कियों के आसपास है तो वहाँ प्रॉपर सिग्नल नहीं आएगा, और जो कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हैं वो भी जनरली इनके इम्पैक्ट में प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। नेक्स्ट, ये नॉइसी हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि साउंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि बड़ी बड़ी चक्कियाँ हैं, रोटेट करेंगी घूमेंगी तो एक तरह से ध्वनि शोर उत्पन्न होगा जो पोल्यूशन का काम करता है, मींस जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको थोड़ी सी साउंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी टॉलरेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो एनर्जी रिसोर्स है वो है जियोथर्मल पावर या भूतापीय एनर्जी, ये भी नाम से पता चल रहा है, भूतापीय मतलब ज़मीन के अंदर का हिस्सा। सबको पता है जो हमारी पृथ्वी का कोर है, केंद्र है, वो बहुत अधिक गर्म है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं कि हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उष्मा है, टेम्परेचर हाई है। वो हाई टेम्परेचर वाटर को क्या करता है, स्टीम में बदल देता है, भाप में बदल देता है। उस स्टीम या भाप की हेल्प से हम टर्बाइन को रोटेट करते हैं, टर्बाइन जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर इस तरह से एनर्जी जनरेट की जा रही है तो उसको हम जियोथर्मल पावर या भूतापीय एनर्जी का नाम देते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारे पृथ्वी का केंद्र कोर अत्यधिक गर्म है, वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर है, उस हाई टेम्परेचर की हेल्प से वाटर को स्टीम में बदला जाएगा, भाप में बदला जाएगा, वो स्टीम टर्बाइन को रोटेट करेगी, टर्बाइन आगे जनरेटर को घुमाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आगे हमारी डिमांड को पूरा करेगी, चाहे वो घरों में है डिमांड, चाहे वो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, कहीं भी जो इसकी डिमांड है उसको पूरा किया जाता है। क्या करना होता है इसके लिए, ज़मीन में बड़े बड़े होल करने होते हैं, ड्रिल करने होते हैं, उन होल की हेल्प से ठंडे पानी को नीचे भेजा जाएगा, वो वाष्प होके गर्म होकर भाप बनकर ऊपर आएगा, उसी भाप या स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे।
अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस में बताएंगे कि इसमें भी कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होता, क्योंकि हम किसी तरह के पेट्रोल या डीजल या किसी और ईंधन का उपयोग नहीं कर रहे। इट मीन्स ये पोल्यूशन फ्री है, किसी तरह का इसमें पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा कहता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा हमें स्पेस एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है। दूसरे रिसोर्सेज में डैम वगैरह में क्या था, हमें बहुत बड़े एरिया में जंगलों को काट करके पानी को स्टोर करना पड़ता था। उस एरिया के जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनका जो हैबिटेट रहने की जगह थी वो लॉस हो जाता था। बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बड़ी आसानी से हम जियोथर्मल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बात करें वहीं डिसएडवांटेज की, तो इसमें भी कुछ एक डिसएडवांटेजेस, कुछ एक नुकसान हैं। जैसे कि सबसे पहले बता रहे हैं कि जियोथर्मल पावर स्टेशन बिल्ड करना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। हमारे पास ऐसी बहुत कम लोकेशन, बहुत कम जगह है जहाँ पर हम जियोथर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से हमें हाई टेम्परेचर मिलेगा और कहाँ पर हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा। दूसरा, हमें एक स्पेशल टाइप की रॉक्स चाहिए, पत्थर चाहिए ज़मीन के नीचे जो गर्म हो, जहाँ पर पानी को भेजा जा सके और उस पानी को वापस स्टीम में या भाप में बदला जा सके। तीसरा, ज़मीन के नीचे होल करना मुश्किल है, ड्रिल करना, होल करना और गर्म चट्टानों तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, मुश्किल है, और वहाँ से वापस स्टीम को निकालना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। तो बहुत कम ही ऐसी जगह हैं जहाँ से हम ये जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने बेनिफिट के लिए उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है वो है टाइडल पावर, जिसको हम ज्वार भाटा के नाम से भी जानते हैं, टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। हमें पता है जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं उनमें रेगुलर इंटरवल पर टाइड्स आते रहती हैं, ज्वार भाटा लहरें उठती रहती हैं। अगर हम उन लहरों का उपयोग टरबाइन को घुमाने में करें और टरबाइन आगे जनरेटर के साथ जुड़े हों, तो हम उससे भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही किया जाता है, जो ज्वार भाटा का क्षेत्र है या जिन क्षेत्रों में, जिस एरिया में ज्वार भाटा टाइड्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं, स्पेशल टाइप के टर्बाइंस लगा दिए जाते हैं। ज्वार भाटा का जो पानी है वो टर्बाइंस को रोटेट करता है, उससे जनरेटर रोटेट करते हैं और फाइनली फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये भी हमारे लिए एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक लाइफ है, जब तक वाटर है, तब तक ये टाइड्स आएंगे और तब तक हम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज की तरह इनकी भी कुछ एक एडवांटेजेस हैं और कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमें किसी तरह का कोई भी पेट्रोल डीजल ईंधन इसमें खर्च नहीं करना होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता। इट मीन्स ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये इको फ्रेंडली है, इससे कोई ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे हमारे अर्थ के टेम्परेचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, किसी तरह का फ्यूल नहीं चाहिए, लार्ज अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको मेंटेन करना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, और जो टाइड्स हैं वो लगभग प्रिडिक्टेबल होते हैं, लगभग हमें आइडिया होता है कि किस टाइम पर टाइड्स या ज्वार भाटा आएंगे और किस टाइम पर नहीं आएंगे। वहीं बात करें हम डिसएडवांटेज की, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला कहता है कि टरबाइन को फिट करना, टरबाइन को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एस्टेब्लिश करना, वो थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि रिवर या उस समुद्री क्षेत्रों में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, एक बैरिकेड बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम टरबाइन को वहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस अपने आप में हम कह सकते हैं मुश्किल है। दूसरा,
कहता है कि जो टाइड्स हैं वो भी पूरा दिन नहीं चलते, टाइड्स एक फिक्स टाइम पर आते हैं, इट मीन्स वो उस पर्टिकुलर टाइम पर ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं थ्रू आउट डे, थ्रू आउट ईयर वो फंक्शन नहीं करेंगे, थ्रू आउट डे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। और ये देखा गया है कि एक दिन में लगभग 10 घंटे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं जिसमें से टाइडल एनर्जी का यूज़ हम सिर्फ 10 आवर्स में ही कर सकते हैं, बाकी के जो 14 आवर्स हैं वहाँ पर हम टाइडल एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने बहुत से एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा। सबसे पहले हमने एनर्जी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, उसको देखा कि कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी का नाम देते हैं, मीन्स कैपेसिटी टू डू दी वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। देन हमने देखा एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, वो रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी या ऊर्जा प्रोवाइड करें उनको एनर्जी रिसोर्सेज का नाम देते हैं। हमने बहुत से प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा, उनकी क्लासिफिकेशन की, जैसे रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को भी डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें देखा कि रीन्यूएबल वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको बार बार उपयोग किया जा सकता है, जो इको फ्रेंडली हैं, जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम पन बिजली का नाम देते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। देन हमने विंड एनर्जी पवन ऊर्जा के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया, फाइनली हमने टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। ये सब हमारे लिए रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज थे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कि ये जो टॉपिक हमने कवर किए हैं इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मीन्स नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हो। हमने देखा कि वो संसाधन जिनको बार बार उपयोग किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है, इको फ्रेंडली हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का नाम देते हैं। इसी तरह कई बार वो पूछ लेते हैं कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताओ, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इनको बार बार यूज नहीं किया जा सकता, ये इनको लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी हमने डिस्कस किए। जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक हैं, उनको हम कन्वेंशनल का नाम देते हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल हैं, गैर पारंपरिक हैं, उनको हम नॉन कन्वेंशनल का नाम देते हैं। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, जिनकी खरीद बेच की जाती है उनको हम कमर्शियल का नाम देते हैं, जो खरीदे बेचे नहीं जाते उनको हम नॉन कमर्शियल का नाम देते हैं। देन वो कहते हैं सोलर एनर्जी के डिफाइन करो, तो हमें पता है सनलाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है या मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं, इसी तरह विंड एनर्जी। देन एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 7.5 मार्क्स में, राइट अ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हमें सभी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताना होगा, चाहे वो रीन्यूएबल हैं, नॉन रीन्यूएबल हैं, जैसे भी हैं, सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करना होगा। इसी तरह का एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कि जो नवीकरणीय संसाधन हैं इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके स्कोप क्या हैं उसके बारे में। तो हमें उनके जितने भी बेनिफिट्स थे कि वो इको फ्रेंडली हैं, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, वो किसी तरह का उन पे खर्चा नहीं होता, हमेशा उपयोग में किए जा सकते हैं, कहीं भी उपयोग में किए जा सकते हैं, ये इनके बारे में सिग्निफिकेंस में बताना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वो जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मीन्स अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तब तक के लिए आप इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करो, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इनके बारे में भी स्टडी करो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद।